हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? और आज छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ दो दिन तो हमारे बहुत मस्ती वाले गए, बहुत मजे किए हम लोगों ने। और 17-18 साल बाद हम और मेरी फ्रेंड मिले थे, तो दो दिन कैसे चले गए पता नहीं चला। और आज फाइनली हम वहां से निकल लिए आगे की सफर के लिए। मन तो नहीं था, वो रोकना चाह रही थी, दिवाली पर बोल रही थी दिवाली रुको यहाँ, दिवाली मना कर जाओ। बट ये है कि कुछ प्लानिंग, कुछ चीजें फिर वो गड़बड़ हो जाता। और इसी के साथ अब हाँ, मन बहुत खराब था, सोचा था लास्ट का वीडियो बनाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन सच में ऐसा माहौल था कि मन नहीं हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया वीडियो का। अब है आगे की जर्नी, जो भी चीजें हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो है मेरा, अभी हम खजुराहो जा रहे हैं, जिसके बारे में सुना है काफी, बहुत पहले से सुन रखा है। और आज ये मौका मिल रहा है मुझे कि मैं वहां जाऊं और देखूं क्या स्पेशल है। जो भी होता है आगे का अपडेट, आगे की चीजें आप लोगों को हम दिखाते हैं। रास्ते में हमें मिला है टीकमगढ़ का किला। अंदर तो नहीं जा सकते और पता नहीं परमिशन है कि नहीं है। और फिर हमें तो आगे निकलना है खजुराहो के लिए, तो हमने कहा बाहर से वीडियो बना लेते हैं। ये किला है, सिटी में ही है। हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं खजुराहो के पास और थोड़ा एक टी ब्रेक लिया है हमने। और यहाँ से खजुराहो बता रहे हैं 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर ना भैया? तो ये भैया हैं, आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। ये राजेंद्र प्रसाद शुक्ला भैया हैं, ये बता रहे हैं यहाँ से 26 किलोमीटर है खजुराहो। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई घूमने की। घुटने डैम है, रन फॉल है, हाँ, और एक नेशनल पार्क है, ओके, पांडव फॉल है। तो अभी हम देखते हैं क्या अभी सेट बैठता है, अगर अभी सेट बैठा, क्योंकि हो रहे हैं शाम के 4:30। अगर आज बैठा तो बैठा, नहीं तो कल हम विजिट करेंगे। और जो भी अभी इनके यहाँ पकौड़ियाँ मंगवाइए, चाय मंगवाइए, खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट क्या है। और जो भी अपडेट होता है हम आपको आगे देते हैं। अभी हमने भैया के यहाँ खाई अमरूद की चटनी, और बहुत ही टेस्टी पकौड़ी के साथ। अब भैया हमको बताएंगे कैसे बनती है अमरूद की चटनी। चलिए बताइए। इसमें अमरूद डाले हमने पाँच, हाँ, उसमें काट के, हाँ, पके वाले ना, पके वाले, हाँ हाँ हाँ, धनिया मिर्च, वो धनिया पत्ती, हाँ, मिर्च हरी, हाँ, थोड़ा सा अदरक, हाँ, थोड़ा लहसुन, और ये नमक, हाँ, थोड़ा काला नमक, काला नमक, थोड़ा सा मिक्सी में पीस दिया, हाँ, बहुत ही टेस्टी चटनी, मजा आ गया खा के पकौड़ी के साथ। अच्छा है, चाय भी अच्छा है, यहाँ पर पकौड़िया वगैरह भी खाई, पराठा भी खाया इन्होंने, पराठा भी अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी। तो कभी आप इधर आ रहे हैं तो आइए जरूर, यहाँ खाइए जरूर। कौन सा डाबर भैया, क्या है? हरी कृपा, हाँ हाँ, ये देख रहे होंगे हरी कृपा फैमिली रेस्टोरेंट, और शुद्ध शाकाहारी। अगर आप शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए और इनसे ज़रूर मिलिए। ये भी बहुत अच्छे नेचर के लगे, बहुत ही अच्छे इंसान लगे मुझे। तो आते और ये इनके सारे काम वाले बनते हैं जो इनके साथ हैं। तो अब आगे हम चलते हैं, निकलते हैं खजुराहो के लिए, फिर आप लोगों से आगे जो भी होता है बात करते हैं।
तो फाइनली हम यहाँ पर खजुराहो में आ चुके हैं और अभी हमने चूज किया है होटल सिद्धार्थ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ आ गए हैं, अभी सामान वगैरह आ रहा है जो भी चीज़ें, और बहुत अच्छा होटल है अभी फिलहाल के लिए मैंने जो देखा है। और ठीक इसके बगल में कैफे है, सामने मंदिर है, वो आपको सुबह दिखा पाएंगे। और ये है इनका एंट्रेंस, ये बार का है व्यू पूरा, और जिस तरह से बोला था ये सामने बिल्कुल मंदिर दिखता है, जिस मंदिर में हमको जाना है खजुराहो के। और ये है बाहर, ये अंदर हमारे, और ये है बाथरूम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये है, ये है रूम, ये सीधे सी सब है, मस्त है, बहुत ही अच्छा रूम है। और जिस तरह से नीचे भैया थे उन्होंने बताया है, शाम को यहाँ म्यूजिकल शो होता है इंग्लिश में, और 7:30 to 8:30 हिंदी में होता है यहाँ म्यूजिकल शो, जो कि आप सामने देख रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम खजुराहो आ चुके थे कल रात में ही, पर जैसे आपको होटल का बताया उसके बाद हम अपडेट नहीं दे पाए। और अभी हम खजुराहो ठीक मंदिर के सामने रुके हैं, और ये है मंदिर का दृश्य, और अभी हम यहाँ से, अभी हमें 3 जगह जाना है, तो अभी फाइनल करते हैं सबसे पहले कि क्या करना है, वो नीचे जाके पता चलेगा या किसी से पूछ के पता चलेगा कि सबसे पहले हमें कहाँ जाना चाहिए और क्या हमारे लिए इजी होगा सबसे पहले, क्योंकि ये है खजुराहो मंदिर का है कि सनसेट टू सनराइज में ही खुलता और बंद होता है। फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर है, तो वहाँ जाने के लिए हमें है 10:30 मॉर्निंग एंड 2:30 बंद क्लोज होने का टाइम होता है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि अभी हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, और जो भी अपडेट होता है चीज़ें हम आपको देते हैं आगे। हेलो गाइस, अभी हम आए हैं यहाँ पर बद्री सेठ, और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है और स्वीट्स भी मिलते हैं, मिठाइयाँ भी मिलती है। तो कल रात में हमने आके यहाँ पर खाना खाया, रात का डिनर किया है, और अभी तो आज बंद है दिवाली की वजह से, लेकिन हम थोड़ी सी मिठाइयाँ वगैरह लेने इधर आए हैं, तो आपको दिखाते हैं। और आप कभी भी इधर आते हैं तो यहाँ का खाना और मिठाई ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि हम भी सुनकर ही आए किसी से। और ये है भैया, तो आपका नाम क्या है? दीपू। ओके, तो कितने टाइम से है ये? काफी हो गया, 30-35 साल हो गया। 30-25 साल, ओके। तो और क्या फेमस है सबसे ज्यादा? खाना ही फेमस है। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और बहुत ही साफ सफाई है, साफ सफाई है, बहुत ही शुद्धि है, इसी की वजह से हम भी आए यहाँ खाना खाने।
भैया ने बोला है कि नीचे का भी व्यू हम ले सकते हैं, तो चलिए आपको नीचे रेस्टोरेंट का भी थोड़ा सा सुबह शाम पूजा करते पूजा हो रही है। अच्छा यहाँ पे सुबह शाम पूजा रिकॉर्डिंग भी कर ली। सभी बाहर आके कुछ भी कहते रहे कि मैंने इतने शेर मारे थे। आगे वही होना है, घर जाओगे तो घर जाके तभी बिल्ली हम ही लोग हैं। पैसा हो तो भाई मालिक ही लो पैसा, बिल्ली अपन लोग ही है। वही तो पैसा मिला मालिक ही लो पैसा, अब हमें खर्चा दे दो। इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया मैडम, रिकॉर्ड कर लिए। और ये भैया जिनसे हम कल मिले थे यहाँ पर, इन्होंने काफी हेल्प करी है हमारी। मैंने मैप दे दिया था पूरा, जैसे खजुराहो कहीं भी आप घूम सकते। आपका नाम क्या है? जय सिंह सोलंकी। जय सिंह सोलंकी भैया, तो इन्होंने काफी हेल्प किया, हमको काफी कुछ बताया। और हाईटेक चौकी खजुराहो। ओके ओके। और ये है यहाँ की चौकी है, आप ले लें। तो जहाँ पर ये ड्यूटी देते हैं चीजें, और काफी हेल्प काफी लोग मिले कल, लेकिन भैया ने काफी हेल्प करी हमारी। अच्छा, और ये है पुलिस चौकी जी। सर आप बात करना चाहते हैं वो टूरिस्ट चौकी जो टूरिस्ट चौकी के संबंध में? साहब सूरज सिंह सर, ये है सूरज सिंह सर, ये है सूरज सिंह सर। और काफी हेल्प इन लोग ये लोग करते हैं यहाँ के टूरिस्ट के लिए, और काफी होता है कि काफी मेहनत से सबका ध्यान रखना, सब चीजें इनका काम है, और करते भी हैं बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से। तो आप मिल सकते हैं सर से। ओके, आपका? मेरा नाम प्रज्ञा शुक्ला। प्रज्ञा शुक्ला सर, आप? सैयद सनी। ओके ओके ओके। तो मिले आप सारे स्टाफ से, मिले सब लोगों से मिले, और अब हम जाएंगे आगे मंदिर के लिए, दर्शन के लिए जी। और आगे की चीजें जो भी हम देखेंगे, और बाद में आप लोगों से मिलो। अरे सुरक्षा ड्यूटी में लगी आज, कब से हो आप? अमावस्या है, सब बोलो। 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अच्छा नया नया ज्वाइन किया है क्या? अच्छा अच्छा, कैसा है एक्सपीरियंस? कैसा है? अच्छा लग रहा है, दिवाली के शुभ अवसर पर माँ संगेश्वरनाथ की ड्यूटी हो रही है। वाह क्या बात है, जय भोले बाबा। तो मिले, आपका नाम है? प्रज्ञा एंड सुनीता, दोनों से मिले, बहुत अच्छा लगा मिलकर। और आशा करते हैं कि शायद ये भी आए हमारे यहाँ। आप कहाँ से? मैं पुणे से, महाराष्ट्र। तो कभी भी होता, वैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, बट अभी इधर घूमने के लिए इधर आए। मिलते हैं गाइस, आप लोग मिल लिए सबसे, और चलते हैं मंदिर की तरफ।